फिलासफी इन एजुकेशन यूनिट 7 एंड 8 मुस्लिम फिलासफर्स परस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड कंटेम्प्रेरी फिलासफी एंड करिकुलम डेवलपमेंट। सो इस चैप्टर में हम जो है ना मुसलमान फिलासफर थे जो उनके बारे में पढ़ेंगे और उनका एजुकेशन पे क्या परस्पेक्टिव था और उन्होंने क्या करिकुलम के बारे में लिखे है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मुसलमानों का बहुत जो है ना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ज़ाहिर सी बात है, इस्लाम में जो है ना तालीम नॉलेज इलम को बड़ा जो है ना फोकियत दी गई है। पहली कुरान पाक की आयत थी यही उतरी है कि जो है ना इकरा, इसलिए जो है ना इनॉर्मस कंट्रीब्यूशन है मुस्लिम फिलासफर का एजुकेशन के फील्ड में। फिर जो है मुस्लिम फिलासफर ने बड़ा जोर दिया है कि जो है ना लॉजिक पे, रियलिटी पे, फ्रीडम ऑफ विल पे, फ्रीडम ऑफ विल मतलब कि अपनी विल के मुताबिक, फिर सोर्स ऑफ नॉलेज के, नॉलेज के जो सोर्स हैं, और बहुत सी चीज़ों पर मुस्लिम फिलासफर ने जो है ना कोशिश की है कि वो आंसर करें बहुत से क्वेश्चन के जो फिलासफी के रिलेटेड थे। उन्हें नेचर ऑफ रियलिटी, फंक्शंस और लिमिट ऑफ ह्यूमन रीजंस, ट्रूथ, फ्रीडम, एथिक्स एंड इन एसेंस के बारे में जो है ना बहुत एम्फसाइज किया है। मुस्लिम जो थे इब्न खलदून हो गए, फिर अल्लामा इकबाल हो गए, तो इन सब ने खुदी पे, ट्रूथ पे, सच पे, फ्रीडम पे, गॉड पे बड़ा जो है ना एम्फसाइज किया है। उन्होंने फिर फंडामेंटल क्वेश्चन जो थे लाइफ के रिलेटेड उनको जो है ना फिलासफी के मुताबिक टैकल करने की कोशिश की है। तो ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के जो होंगे वो होंगे, सबसे पहले तो हम अलगजाली के व्यूज़ पढ़ेंगे टीचिंग के बारे में, फिर इब्न खलदून के पढ़ेंगे, फिर जो है इब्न मिसकावा के पढ़ेंगे, अलफराबी के पढ़ेंगे और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के। अब इमाम गजाली जो थे वो बॉर्न हुए 1058 टू 1111, यानी 1058 में पैदा हुए, 1111 में इन्हें वफात पर। ये पहले जो है ना इस्लामिक फ़िलासफ़र थे जिन्होंने जो है ना फ़िलासफ़ी में इस्लाम को, रिलीजन और फ़िलासफ़ी में डिफरेंस क्रिएट किया और बताया कि इस्लाम के मुताबिक जो है ना फ़िलासफ़ी में क्या है। ये अरिस्टोटल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे, ये टीचर भी थे, इन्होंने जो है ना एजुकेशन जो हासिल की थी, इनके जो टीचर थे वो एक क्रिश्चियन भी थे कुछ, ये फ़िलासफ़र भी थे, लीगल स्कॉलर भी थे यानी मजहबी स्कॉलर भी थे, एक थियोलॉजियन यानी मजहबी भी थे, एंड मिस्टिकल थिंकर और एक गौर फिक्र करने वाले भी थे। ये एक्सपर्ट थे फिकाल शाफी में एक्सपर्ट थे, यानी सब जानते थे फिकाल शाफी में। टीचर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नदिजमिया बगदाद में। फिर इनकी जो थी फिलासफी वो इस्लामिक एजुकेशन पे, इस्लामिक पर्सपेक्टिव पे बेस्ड थी ऑन एजुकेशन। इन एजुकेशन में जो है ना इस्लामिक टच दिया, इस्लाम के मुताबिक जो है ना बच्चों के एजुकेट, बच्चों को करने का कहा। इन्हें बच्चों में सबसे पहले तो ये कहा कि जो है ना उनको, पेरेंट्स को चाहिए कि उनको नॉर्म सिखाएं, उनको एथिक्स सिखाएं, उनको जो है ना गॉड रिलीजन सिखाएं, उनको बेसिक जो रिलीजन की नीड्स हैं, जो रिलीजन बेसिक है, जैसे कैसे नमाज पढ़नी है, कैसे जो है ना वो रहना है, कैसे सहना है, सोशल लाइफ उनकी कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ें उन्हें सिखाएं। अब इनका एम क्या था एजुकेशन में, इन्हें कहा कि ह्यूमन को ऐसे नर्चर किया जाए, उनको टीचिंग दी जाए रिलीजन की, और उन्हें बताया जाए कि वो जो काम करेंगे उसका जो है ना लाइफ आफ्टर, हेयर आफ्टर, यहाँ के बाद जो होगी ना लाइफ, यानी कि क़यामत के बाद जो, कब्र के बाद जो लाइफ होगी उसमें उनको रिवार्ड भी मिलेगा, जिन वो जन्नत में जाएंगे, तो ये सिखाया जाए ह्यूमन को। फिर उन्हें कहा कि चिल्ड्रन जो है ना वो सोसाइटी से सीखते हैं और सराउंडिंग एनवायरनमेंट, तो इसलिए उन्हें कहा कि पेरेंट्स जो है ना वो फर्स्ट स्कूल हैं, पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को गाइड करें, एजुकेट करें रिलीजन के मुताबिक, सराउंडिंग एनवायरनमेंट उनका जो है ना वो इस तरह का बनाए कि बच्चे सोसाइटी से सीखें, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से सीखें। उन्हें कहा कि जो है ना डिवेल्प ऑफ देयर बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी, उनमें बिहेवियर जो है ना वो बिल्कुल पीस होना चाहिए, उनके बिहेवियर में पेशेंस होना चाहिए, इस्लाम के अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर होना चाहिए, फिर उनकी पर्सनैलिटी जो है वो इस्लाम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, खूबसूरत जो है ना वो उसमें उनको दीन का टच होना चाहिए, वो रिलीजन को जो है ना ले के साथ चलें, उनको रिलीजन की समझ होनी चाहिए, उनकी पर्सनैलिटी रिलीजन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन रेस्ट ऑन द पेरेंट्स, तो उन्हें पेरेंट्स पे जो है ना और शेयर्ड बाय द टीचर, पेरेंट्स और टीचर्स पे जो है ना ये जिम्मेदारी दी है कि बच्चों को एजुकेट करने की,
कि इन दोनों को चाहिए कि वो बच्चों को एजुकेट करें इस बारे में, रिलीजन के बारे में, फिर उनकी पर जो है ना स्टार्टिंग एजुकेशन वो पेरेंट्स करें, फिर जो है ना टीचर करें, तो ये उनको रिलीजन की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सिखाएं और उनकी पर्सनैलिटी, फिर उनकी करेक्टर बिल्डिंग, उनका करेक्टर जो है वो इस्लाम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो हमारे हीरोज़ हैं उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। देन उनकी जो थाट्स हैं अबाउट एजुकेशन, तो उन्होंने कहा कि इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन सो दैट चिल्ड्रन कैन बी ट्रीट इन अ साउंड एंड इफेक्टिव मैनर। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हमें बच्चों की जो है ना वो उनकी करेक्टरिस्टिक्स को समझना होगा, उनकी एबिलिटीज़ को समझना होगा, उनकी एबिलिटी से ज़्यादा हम ना उन्हें देश कोई टीचर किसी टीचर को चाहिए कि वो ना उनकी जो है ना एबिलिटी से ज़्यादा पढ़ाए और ना उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा उनको काम दे, उनको उतना ही काम दे जितना वो कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ना हमें हमारे लिए यही पहले ज़रूरी है कि टीचर जो है वो उनकी कैपेसिटी को समझे, उनकी एबिलिटीज़ को समझे, उनकी पावर को समझे, फिर उनके उसके मुताबिक उनके काम दें, उनके मैनर्स उसके मुताबिक आप डील कर सकते हो कि वो चिल्ड्रन किस कैपेसिटी तक उसकी नीड है, किस लेवल तक जो है ना हमें ज़रूरत है कि उसको इम्प्रूव करने की, वो उसका पहले लेवल चेक करना होगा। फिर उन्हें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर जोर दिया, एम्फसाइज किया है कि दबाव डाला है कि ये एजुकेशन ज़रूरी है बच्चों के लिए, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है स्टार्टिंग की बच्चों को। फिर उन्होंने कहा आज के पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को ऑब्जर्व करें अपनी बर्थ से ही, बच्चों के बाद से ही जो है ना उनको ऑब्जर्व करें, उनकी एजुकेशन को, उनके एजुकेशन को साथ साथ लेके चलें। ये पेरेंट्स का काम है कि वो बच्चों को कैसे जो है ना डील करते हैं, उनकी बेसिक एजुकेशन कैसे करते हैं, उनके मदरसा स्कूल कुरान के मुताबिक एजुकेशन करें, सुन्ना के मुताबिक एजुकेशन करें, एजुकेट करें, उनको जो है ना बेसिक नॉलेज दें ज़िंदगी का, फ्रेंड्स हैं उनका, लाइफ का, वो सोसाइटी से उनको सिखाएं, उनको सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड करें कि वो सीखें। फिर जो है ना वो कहते हैं कि चिल्ड्रन जो है ये प्योरली बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन बच्चों की चिल्ड्रन जो है वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी जो है ना अच्छे से फुलफिल करें, बच्चों को एजुकेट करें, वेल एजुकेट करें, उनकी तरबियत करें, उनकी नर्चर करें, उनको जो है ना ग्रो करें, उनको डिवेलप करें उनका माइंड, उनको रिसाइटेशन ऑफ कुरान, उनको तलावत करना सिखाएं, उनको हदीस से समझाएं, उनको हदीस बताएं कि हदीस क्या है, कुरान क्या है, उनको हिस्ट्री और पाइस लोग जो नेक लोग हैं, जो परहेजगार लोग हैं, जो सहाबी हैं, जो नबी गुजरे हैं, उनकी लाइफ से स्टोरियाँ उनको सुनाएं, उनको जो है ना नेक, उनको एक अच्छे उनकी करेक्टर डिवेल्प करें, उनका करेक्टर बिल्डिंग करें, पीपल सो दैट चिल्ड्रन कुड टेक देम एज एग्जांपल, ताकि जो है ना वो ऐसे लोगों को जो है ना वो बच्चे एग्जाम्पल के तौर पर लें। अच्छा जी, अटेंशन वो कहते हैं कि पे करें कि जो है ना ऑन देयर कंपनी के, उनकी कंपनी कैसी है बच्चों की, वो गुड कंपनी में है बैड कंपनी में है, उनके जो है ना वो किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, उनका रिलेशन जो सोसाइटी के हैं किस टाइप के लोगों से है, उनका मेंटल किस टाइप, क्या एक्टिविटीज़ वो करते हैं, तो इसलिए जो है ना उनकी टेंशन जो है ना अटेंशन पे करें उनकी कंपनी पे, क्योंकि उनकी कंपनी जो है उनके करेक्टर बिल्ड करने में अफेक्ट करती है। फिर उन्होंने कहा कि स्ट्रेस दैट एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड, उन्होंने कहा कि एजुकेशन इतना ही काफ़ी नहीं है कि आप सिर्फ जो है ना उनके दिमाग को फिल कर दें या उनको ट्रेन कर दें, लिमिटेड ट्रेन, बल्कि ये है कि उनको जो है ना रिलीजन सिखाएं, रिलीजियस पर्सनैलिटी बनाएं, इंटेलेक्चुअल जहानत उनकी डिवेल्प करें, उनको जहानी बनाएं, फिजिकली और मोरली डिवेल्प करें, उनमें जो है ना मैनर्स हों, वो एथिक्स हों, वो फिजिकली डिवेल्प हों, वो बॉडीकली स्ट्रॉन्ग हों, क्योंकि उस वक्त जो है ना मुसलमानों को हालात ख़राब ही थे, मुसलमान जो है ना वो इस्लाम और दूसरे जो थे मजाहब उनके दरमियान जंगें चल रही थी मुसलमानों की, तो उस वक्त मुसलमानों को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग जो थे ना वो इंसान लोग चाहिए थे, तो उन्होंने कहा कि इंटेलेक्चुअली भी और फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग बनाएं बच्चों को, चिल्ड्रन टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों की रिलीजियस एजुकेशन पर फोकस करें। फिर उन्होंने कहा कि टीचर जो है ना वो कंसिडर करें डिफरेंस इन एबिलिटीज़ एंड करेक्टर अमंग स्टूडेंट, कि जो है ना कैसे वो डिफरेंस करेंगे एबिलिटीज़ और करेक्टर जो है ना वो डिवेलप करने में स्टूडेंट में, और डील करें उनके साथ अप्रोप्रिएटली मुनासब तरीके से, यानी उनको कोई पनिश या ज़्यादा पनिशमेंट ना दें, कि अगर वो कहते हैं वो एक पॉइंट पे वो कहते हैं कि जो है ना अगर पेरेंट्स देखते हैं बच्चों की छोटी छोटी मिस्टेक्स तो उनको अवॉइड कर दें, वो उनको बार बार लोगों के सामने उनको जो ना एम्बेरस ना करें, बार बार वो दोहरा के उनकी मिस्टेक्स वो खुद अपनी मिस्टेक से एक दिन लर्न कर लेंगे। फिर टीचर को जो है वो चाहिए कि फोर्स ना करें स्टूडेंट्स को बियॉन्ड देयर एबिलिटीज, जितनी उनकी कैपेसिटीज है उसी के मुताबिक ही उनको काम दें। अब क्लासिफिकेशन ऑफ साइंसेज जो है ना अलगजाली ने जो है ना क्लासिफिकेशन ऑफ साइंसेज की हैं दो,
नेचर के मुताबिक दो में, थियोरेटिकल जिसमें क्या आते हैं रिलीजियस एंड थियोलॉजिकल, कि थियोरेटिकल में आता है जिसमें रिलीजियस है और थियोलॉजिकल है कि मजहबी है और जो है दीनी तालीम है। फिर है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में आता है जिसको जो आप प्रैक्टिकल काम करते हैं पॉलिटिक्स है, होम इकोनॉमिक्स है और एथिक्स है। फिर उनने दो क्लासेस में जो है ना किया ओरिजिन के लिहाज से, पहले नेचर के लिहाज से दो क्लास में डिवाइड किया है कि दो किस्म का एजुकेशन है, साइंस है थियोरेटिकली और प्रैक्टिकल है। फिर ओरिजिन के हिसाब से, तो ओरिजिन के हिसाब से उन्होंने कहा कि ओरिजिन एक तो है गॉड की तरफ से और एक है मैन मेड ओरिजिन। जो गॉड रिवील्ड साइंसेज हैं वो गॉड की तरफ से हैं, टेकन फ्रॉम द प्रॉफिट, जो हमें नबियों से मिली हैं, ठीक है, पैगंबरों से मिली हैं, जैसे एग्जीजीसिस है, यूनिटी ऑफ गॉड है कि खुदा एक है, कस्टम्स हैं जो हमारे इस्लामी रवायात हैं, फिर राइट्स हैं और मोरालिटी है जो इस्लामी मॉरल्स हैं, फिर रेशनल साइंस जो प्रोड्यूस की इंसान की थिंकिंग और जैसे नेचुरल साइंस है, मैथमेटिक्स है, थियोलॉजी है। फॉर अलगजाली द रिवील्ड एंड द रेशनल साइंसेज कम्प्लीमेंट ईच अदर, तो ये दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट देती हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करती हैं बाजू का। मोस्टली जो है ना वो तीन की तो जो कुरान पाक है उसमें तो कोई शक है ही नहीं है ना, तो वो फिर जो अब इंसान जो है ना वो साइंस से कुछ करता है तो वो फिर जो है ना वो वहाँ से लेता है सपोर्ट, कुरान पाक से साबित करता है कि हाँ जी 1400 साल पहले अल्लाह ने ये कहा था तो अभी वाकया में भी ये बात सच है, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा ही है। बल्कि फिर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर पर्पज़ और एम, पर्पज़ और एम के मुताबिक पर क्लासिफिकेशन की गई है। साइंस ऑफ ट्रांजेक्शन जिसमें क्या आता है, साइंस ऑफ ट्रांजेक्शन में जो है ना गवर्निंग की गई है बिहेवियर ऑफ एक्शन है, साइकोलॉजी साइंस ऑफ कस्टम एंड राइट्स को पढ़ा जाता है साइंस ऑफ ट्रांजेक्शन। फिर साइंस ऑफ अनविलिंग इसमें क्या है, साइंस ऑफ थिंग्स एंड परटेनिंग टू द अप्रेंशन ऑफ द रियलिटी, तो साइंस ऑफ अनविलिंग जो चीज़ें पोशीदा हैं उनकी जो है ना वो उनको जो है ना वो रिवील करना है, उनको बारे में स्टडी करना है। अलगजाली ने फिर जो है ना फिलासफिकल साइंसेस को जो है ना इंटू सिक्स कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले लॉजिक कि हर चीज़ का कोई लॉजिक है, कोई लॉजिक दे मेंटली डिवेलप हर चीज़ का लॉजिक। फिर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जो है ना वो मेंटली इंटेलेक्चुअल जो है ना वो डिवेलपमेंट के लिए ज़रूरी है। नेचुरल साइंसेस जो नेचर को कनेक्ट करें, पॉलिटिक्स सियासत, फिर मेटाफिजिक्स जो है ना वो एस्ट्रोलॉजी वगैरह और एथिक्स, ये सारी चीज़ें जो है ना इनमें सिक्स कैटेगरीज में इनको इनने डिवाइड किया। तो ये थे अलगजाली, आगे हम अब करेंगे अपने हालत मूल। सेकंड जो मुस्लिम फ़िलासफर थे वो हैं इब्ने खलदून। इब्ने खलदून जो है वो 1332 को पैदा हुए और 1406 को उनकी डेथ हुई। ये जो फ़िलासफ़र थे ये हिस्ट्री के थे और पहले जो है ना मुस्लिम सोशल साइंटिस्ट भी थे, तो इन्होंने सोशल साइंसेस में इस वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। तीन बड़े जो इनके कंट्रीब्यूशन है वो, क्योंकि इनके जो फादर थे वो वेल नोन एक रिनोन स्कॉलर थे, इस वजह से जो है ना वो उन्होंने ये इंटरेस्टेड थे पोइट्री में, ट्रेडिशन, ग्रामर में, लैंग्वेज में और लॉ में, इसलिए इन्होंने जो है ना पढ़ा हुआ था, फ़िलासफ़ी पढ़ी हुई थी, थियोलॉजी पढ़ी हुई थी यानी जो रिलीजन के रिलेटेड होती है, फिर लॉजिक और दूसरे जो इस्लामी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी इनने पढ़ा हुआ था। इनने फिर जो है ना कुरान को दिल से याद किया हुआ था, हिफ्ज़ किया हुआ था, ये हाफिज़ थे और एक्सपर्ट भी थे, ठीक है, इन फ़िका में, लहू में, हदीस में, रेटोरिक में, पोइट्री में और फ़िलासफ़ी में, क्योंकि ये एक एज अ मुस्लिम इनने बहुत सर्व किया है और एज अ मुस्लिम ये कुरान में, हदीस में यानी और दीन में जो है वो काफ़ी हद तक एक्सपर्ट थे, फ़िका में खासतौर पर। फिर जो इनका एजुकेशन पर्सपेक्टिव था वो बिल्कुल सोशल डिवेलपमेंट ऑफ सोसाइटी के लिहाज था। इब्ने खलदून का जो पर्सपेक्टिव था जो अबाउट एजुकेशन, क्योंकि ये जो है ना इस्लामिक सोसाइटी को अटेंशन देना चाहते थे और कहते थे कि जो है ना रिलीजियस एजुकेशन सबसे पहले, और इसलिए इन्होंने हाईलाइट किया था सोशियोलॉजी का जो पॉइंट ऑफ व्यू से कि दीनी जो है ना वो तालीम हासिल की जाए और इस्लामी सोसाइटी को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। उनने एजुकेशन और एथिकल जो है ना वो तालीम पे बड़ा फोकस किया है, एथिकल यानी जो अखलाकियात हैं, जो एथिक्स हैं, जो मैनर्स हैं, उन पे इनने बड़ा जोर दिया कि इस पे, इस लाइफ के एजुकेशन के जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे, एथिक्स पे बड़ा काम होना चाहिए। इनने जो है ना व्यूज़ दिए हैं एस्पेक्ट्स जो है ना स्टेट के लिहाज से, फिर सोसाइटी के लिहाज से और एजुकेशन, तो इनके फिर इनने जो है ना अटेनमेंट किया नॉलेज का
उन्हें कहा कि ये एक ह्यूमन की जो है ना नेचर थिंकिंग रीजनिंग और थिंकिंग जो है ना वो ह्यूमन की ज़रूरत है, क्योंकि वो नेचुरली जो है ना एक रीज़न है, एक रैशनल एनिमल है वो, एक जो है ना उसके पास माइंड है, ब्रेन है, वो थिंक कर सकता है, उसकी एबिलिटी है, रीजनिंग है। इस वजह से जो है ना एजुकेशन उसका राइट है, नॉलेज हासिल करना उसका राइट है, और वो इसी लिहाज से इसी में मगन रहता है। फिर उन्हें कहा कि जो रियलिटी है वो की नॉन की जाती है जो है ना बाय रेवलेशन, की जो है ना जो चीज़ें रिवील हुई हैं, जो चीज़ें गॉड की तरफ से हैं, उन्हीं के थ्रू आप रियलिटी को समझ सकते हैं। जबकि जो है ना आप ये समझें कि जो है फ़िलासफ़र हमें आपको फ़िलासफ़र रियलिटी समझाएं, ऐसा नहीं है, बल्कि आप जो गॉड की तरफ से चीज़ें हैं, जो अल्लाह की तरफ से चीज़ें हैं, जो रेवल्यूशन हुई हैं, जो रिवील हुई हैं, उन्हीं की मदद से जो है ना आप रियलिटी को पहचान सकते हैं। फिर जो है ना उन्होंने पहली कंडीशन बताई है जो कि आप किस तरह से रियलिटी को जान सकते हैं, तो उनमें प्राइमरी सोर्सेज बताए हैं, वो हैं कुरान पाक और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम के, इनके ज़रिए जो है ना आप रियलिटी को पहचान सकते हो, आप रियलिटी को जान सकते हो, यही जो है ना वो बेसिक तरीके हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो थिंकिंग है इंसान को, जो थिंकिंग है ये ह्यूमन बीइंग की एबिलिटी है, ये स्पेशल गॉड गिफ्ट है, ये जो है ना अल्लाह की तरफ से आपको गिफ्ट है जो थिंकिंग आपको दी गई है, क्योंकि इसी के ज़रिए आपको वो मजबूर करती है कि आप नई चीज़ें ढूंढें। और फिर वो कहते हैं कि यही जो चीज़ है ना यही सोर्स ऑफ नॉलेज है, और फिर वो कहते हैं कि ये इंसान को डिफरेंशिएट करती है फ्राम द एनिमल्स के, एनिमल से डिस्टिंग्विश करती है, क्योंकि उन पास थिंकिंग नहीं है, इसलिए जो है ना वो कहते हैं भी हैं कि एनिमल्स में जो है ना वो ख्वाहिश है और हम में जो है ना वो सोच दी गई है, अकल दी गई है, ताकि हम जो है ना वो ख्वाहिशों से दूर हैं। फिर उन्होंने कहा कि तीन किस्म की जो है ना वो थिंकिंग है, डिसर्निंग है, इंटेलिजेंस है, जो आदमी को काबिल बनाती है कि वो और चीज़ों का ऑर्डर जो है ना उसको अंडरस्टैंड कर सके कि किस ऑर्डर में चीज़ें कैसे हैं, कैसे ओरिजिन कैसे हुआ है, स्टार्टिंग से जो है ना एंड तक ऑर्डर चीज़ों का। दूसरी जो है ना एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, जो वो कहते हैं कि मैन को जो है ना इनेबल करती है कि वो जो है ना अपने ओपिनियंस और जो है ना रूल्स को कंडक्ट कर सके, कि जो उसके ओपिनियंस हैं और वो टीच कर सके जो है ना रूल्स ऑफ कंडक्ट। फिर तीसरा जो उन्होंने दिया ना, पहले डिसर्निंग में है कि वो ऑर्डर ऑफ थिंग्स को अंडरस्टैंड कर सके, एक्सपेरिमेंटल में है कि वो अपने जो है ना रिसेप्टिव जो ओपिनियंस हैं उनको टीच कर सके रूल्स ऑफ कंडक्ट। और फिर स्पेकुलेटिव इंटेलिजेंस जो है उसमें वो कहते हैं कि जनरल आइडिया जो है ना थिंग्स का, कि वो क्यों एग्जिस्ट करती हैं, स्पीशीज के बारे में, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉजेज के बारे में, कि उनकी एग्जिस्टेंस के प्राइमरी और सेकेंडरी कॉजेज बयान कर सकता है। देन इनके जो एम ऑफ एजुकेशन थे, ये मुसलमानों में जो है ना कुरान पाक और जो है ना रिलीजियस साइंसेस को डिवेलप करना चाहते थे। इनका जो एम था कि मुसलमान जो है वो मजबूत जो है ना बिलीवर्स बन जाए गॉड में, और बाइबल पढ़ने से, कि कुरान पाक पढ़ने से और जो है ना रिलीजियस साइंस पढ़ने से, इस्लामिक बुक्स, फिका जो है ना हदीस, कुरान पाक पढ़ने से जो है ना मुसलमान अटैच हो जाए गॉड के साथ और पक्के बिलीवर्स बन जाए। फिर उन्होंने कहा जी के जो नॉलेज है वो गॉड एंड फेथ इन इस्लामिक लॉज विल मेक मुसलमान नो द रियलिटी, कि जो चीज़ें हमें इस्लाम की तरफ से मिली हैं, जो इस्लाम में हैं, कुरान पाक है और जो नॉलेज है, जो हमारा अकीदा है, जो इस्लामिक कानून है, वो हमें जो है ना रियलिटी तक पहुंचा सकते हैं, हमें मोटिवेट कर सकते हैं कि हम जो है ना वो रियलिटी तक पहुंच सकें। फिर जो है ना वो कहते हैं कि यही बेस है कि हम जो है ना इनकी वजह से लीड कर सकते हैं गुड एक्शन की तरफ। देन पोजेशन ऑफ गुड करेक्टर, तो हम फिर ही गुड करेक्टर जो है वो एक पोजेस कर सकते हैं। चिल्ड्रन ने जो है ना कहा कि उन्हें टीचिंग ड्रिल में जो है ना उनको जो है ना टीच किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, उनमें जो है ना विलिंगनेस, उनने री इन्फोर्समेंट पर जोर दिया है। उनने कहा है कि जो है ना मुसलमानों को मजबूत जो है ना एक पक्के और सच्चे बिलीवर्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स बनाए जाए, फिर बिलीवर्स बनाए जाए जो गॉड के साथ, रिलीजन के साथ अटैच हों, और एक ताकि वो डरें अल्लाह से और वो गुड करेक्टर और एक गुड एक्शन परफॉर्म करें। फिर इनके इनने कहा जी कि करिकुलम कैसा पढ़ाया जाए, तो करिकुलम इनने कहा है जी कि उलमाए नकलियत, यानी उलमाए नकलियाई का मतलब है कि कुरान को वो पढ़ें, इंटरप्रिटेशन उसकी तशरी करें, और जो है ना इस्लामिक रिलीजन को पढ़ें, दीन को पढ़ें, जो है ना फिर इनने एम्फसाइज किया है कि जो है ना उलमाए अकलियाई फ़िलासफ़ी पे और फिज़िकल साइंसेस पे।
देन इनने जो है ना इस की फिलासफी पे और जो है ना कुरान पाक पे और फिर जो है ना फिलासफी पे उलमे अकलाई की फिलासफी पे जोर दिया। फिर उनने जो मेथड सजेस्ट किए हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के, सबसे पहले तो उनने जो है ना वो ड्रिल मेथड कहा है कि जो है ना ड्रिल मेथड टीचर इस्तेमाल करें चिल्ड्रंस को पढ़ाने के लिए, ताकि जो है ना ये हेल्प करेगा उनको मेक चिल्ड्रन लर्न, चिल्ड्रन को लर्न आसानी से लर्न पढ़ाने में। वो ड्रिल मेथड क्या होता है कि वो बच्चे को खड़ा करके आप कहें कि वो पढ़ाए, जिस तरह मस्जिद में होता है कि वो नमाज एक बच्चा खड़े होकर पढ़ाता है तो बाकी उसके साथ दोहराते हैं। फिर जो है ना कंसेप्ट जो है वो कहते हैं कि ईजियर से डिफ़िकल्ट स्टेज में डाला जाए, कि पहले स्टार्टिंग से जो है ना वो ये नहीं है कि एकदम ही जो है ना उनको मुश्किल की तरफ ले जाएं, बल्कि कंसेप्ट जो है ना पहले ईजी पढ़ाए जाएँ, फिर जो है ना मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेज से छोटे से बड़े की तरफ, यानी पहले जो है ना स्पेसिफिक से फिर जनरल की तरफ जाए, इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ। फिर चिल्ड्रन को बर्डन ना कि दिया जाए उनकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा, जितनी उनकी कैपेबिलिटी है जितना वो इजीली पढ़ सकते हैं उतना ही पढ़ाया जाए। ये नहीं है कि अगर बच्चा एक पेज कर सकता तो उसे 10 पेज बता दिए जाए। उन्हें कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन, लर्निंग विलिंगनेस और रीइन्फोर्समेंट का दिया है, मोटिवेट करें चिल्ड्रन को जो है ना कि आप ये करोगे तो इसका ये फ़ायदा होगा। फिर उनकी लर्निंग विलिंगनेस, उन्हें उनके अंदर जो है ना चाह पैदा करोगे जो है ना वो कहें कि हमने पढ़ना है। रीइन्फोर्समेंट उनके जो है ना अंदर डिवेलप की जाए, ताकि वो उनको जो है ना अच्छी या बुरी आदतें जो है ना वो ख़त्म करना या अडॉप्ट करना, ये चीज़ें देखी जाए। स्लाइड्स मिस हो गई हैं बीच में से, तो इनमें ये है कि जो थे इब्ने खालदून ने जो है ना वो नॉलेज को कहा था, इनमें सोसाइटल डिसिप्लिन जो है ना डेवलपमेंट के लिहाज से अपने नॉलेज कहा था एजुकेशन को, इनने एजुकेशन को जो है ना फिर साइंस को जो है ना 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1 है प्राइमरी साइंस और नंबर 2 है सेकेंडरी साइंस। एक साइंस है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी आती है और एक है मेंटल साइंस। तो प्राइमरी में है कि जो मैन खुद रियलाइज करता है इंस्टिंक्ट, और दूसरा जो है ना सेकेंडरी में यह है कि वो अक्वाइर्ड करता है थ्रू एजुकेशन, और मेंटल साइंस वो है जिसमें जो है ना कॉल्ड साइंस ऑफ फिलासफी एंड विजडम, ये मेंटल साइंस है। फिर इनने जो है ना वो 4 डिफरेंट साइंसेस को कंसिस्ट किया है, उन्हें कहा है जो कि ये 4 हैं और इंटेलेक्चुअल साइंसेस हैं, जिनमें सबसे पहले उन्होंने कहा जो कि लॉजिक है, जो माइंड है फ्रॉम एरर से सीखता है और जो है ना अवेलेबल फैक्ट से। दूसरा उन्होंने कहा जी कि फिजिक्स है, जो एलिमेंटल सब्सटेंस परसीव जो सेंसेस के थ्रू सीखता है। तीसरा है मेटाफिजिक्स, जो आप स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल मैटर से ही स्टडी करते हैं। और नंबर 4 पे है मयरमेंट, जिसमें 4 डिफरेंट साइंसेज है। मयरमेंट में अब इनने मैथमेटिकल साइंस कही है, फिर ज्योमेट्री है, अर्थमेटिक है और म्यूजिक एंड एस्ट्रोनॉमी है। देन इनने जो है ना कुछ दिया है कि आप ब्रिंगिंग के लिहाज से इन्हें 3 डिफरेंट टाइप्स दी हैं, जिनमें सबसे पहले है साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, जिसमें जो है ना लर्निंग थियोरीज होती हैं एजुकेशन बेस्ड। फिर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, जिसमें चिल्ड्रन जो है ना वो डिफरेंट लेवल डिस्कस किए जाते हैं, डिफरेंट लेवल जो है ना उनकी अपब्रिंगिंग में। तीसरा है प्रैक्टिकल, जिसमें जो है ना रूल्स होते हैं जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन फॉलो करते हैं। देन इन्हें सेवरल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन दिए हैं, जिनमें से कुछ थे कि एजुकेशन जो है ना वो ग्रेजुअली इन ऑर्डर टू बी यूज़फुल, कि अगर एजुकेशन ग्रेजुअल होगी ऑर्डर में होगी तभी जो है ना वो यूज़फुल होगी। डिफरेंट साइंसेज जो है ना वो डिफरेंट टाइम पे जो है ना वो स्टार्ट होनी चाहिए, पढ़ाई जानी चाहिए, कि फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन को अलग, फिर अडल्ट को उस लिहाज से, एज के लिहाज से। जो स्टूडेंट जो है ना वो साइंसेज में एफिशिएंटली है उसको रेडी करना चाहिए इन अदर इजीली, जो एक में रेडी हो जाता है वो उसको दूसरे में फिर जो है ना वो कर देना चाहिए, दूसरे के लिए जो है ना वो रेडी हो जाता है। फिर वो कहते हैं जी कि ना परमानेंटली फिक्स्ड एंड विद इन फिक्स्ड पीरियड स्टूडेंट, कि चिल्ड्रन को जो है ना वो एक फिक्स टाइम होता है याद रहती है, फिर वो भूल जाते हैं, तो इसलिए जो है ना वो प्रोसेस जो है वो परमानेंटली होना चाहिए, ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिसमें प्रैक्टिकल हो, वो परमानेंट रिमेंबर करें। फिर वो कहते हैं कि जो है ना हार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार्ड जो है वो चिल्ड्रंस को ले जाता है, जिसमें जो है ना चिल्ड्रन वीक हो जाती है उनकी इंथोजिज्म और वो लेजी हो जाते हैं, इसलिए इनक्रेज होना चाहिए कि वो इनका ऐसी टीचिंग करनी चाहिए कि उनको इजीली जो है ना वो चीज़ें रिमेंबर हो सके। फिर जो है ना वो ट्रैवलिंग होनी चाहिए, ताकि जो है ना वो
इन ऑर्डर टू सीक नॉलेज, के नॉलेज के लिए जो बच्चों को है ना वो सफ़र करवाएँ, उनको रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन करने पर मजबूर करें। फिर बेसिक साइंस जो है ना, शरिया, तफसीर, हदीस, फ़िका, फिज़िक्स और थियोलॉजी जो है ना वो बच्चों को पढ़ानी चाहिए और उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फिर साइंसेस वो कहते हैं जो सेकेंडरी साइंस, जैसे लॉजिक, अरेबिक और मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जानी चाहिए बच्चों को। तो ये उनके थे कुछ व्यूज़ एजुकेशन के बारे में कि इस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 3, अहमद बिन मोहम्मद इब्ने याकूब इब्ने मिसकावा। तो ये जो है ना थर्ड मुस्लिम फिलासफर हैं, जो बॉर्न हुए 1940 को, डेथ हुई इनके 1030 को। इनका जो सर नेम था वो मिसकावा था, इनका अपना नाम अहमद इब्ने मोहम्मद इब्ने याकूब था, और इनको जो है ना अबू अली अल खाजिन भी कहते हैं। ये जो है ना अपील थे ग्रीक फ़िलासफ़ी के, ग्रीक फ़िलासफ़ी से मुतासर थे। इन्होंने जो है ना हिस्ट्री पढ़ी हुई थी, फिर हिस्टोरियन थे, फ़िलासफ़ी का डिसिप्लिन पढ़ा हुआ था और अल्केमी पढ़ी हुई थी। इन्होंने रिकग्नाइज़ किया था ये थिंकर थे, हिस्टोरियन थे, मोरलिस्ट थे और हिस्टोरियंस ऑफ पर्शिया थे। इनका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट है वो फ़िलासफिकल एक्टिविटी है जो इन्होंने डिवोट की है एथिक्स को। तो इन्होंने एथिक्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। इनकी जो बुक्स हैं वो हैं तरतीबुल सादात, तहजीबुल अखलाक एंड जावेदाएं खिरद। इनकी जो थ्योरी के ऑब्जेक्टिव हैं वो अरिस्टोटेलियन थ्योरी है, जिसके मुताबिक ये कहते हैं जो इंटेलेक्चुअल है और मॉरल और फिज़िकल एजुकेशन जो है वो प्रोड्यूस होनी चाहिए ह्यूमन बीइंग में। इन्होंने सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात किया और कहा है कि इटर्नल जो हैप्पीनेस है वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। फिर ये प्लेटो और जो है ना अरिस्टोटल की तरह बिलीव रखते थे कि जो है ना एजुकेशन वो है वो ही स्टेट के क्राफ्ट से लिंक्ड है, इसीलिए इन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम दिखाई दिया था वो उनके मुताबिक जो है वो स्टेट के मुताबिक दे रहे थे। और अरिस्टोटल के मुताबिक इन्होंने जो व्यू किया था कि उसमें फिज़िकल एजुकेशन और जो है ना इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल एजुकेशन होनी चाहिए। और फिर इन्होंने डिवाइन को बड़ा जो है ना इन्होंने कहा है कि जी रिलीजन को भी इन्होंने रखा है कि जो होगी वो डिवाइन विल की होगी, जो ह्यूमन की एजुकेशन है यानी वो दीन के मुताबिक वो जो है ना अल्लाह पाक कुरान और रिलीजियस के मुताबिक जो है ना वो एजुकेशन होनी चाहिए। क्योंकि ट्रू एजुकेशन जो है ना वो सिर्फ वही है कि जो नीड ऑफ बॉडी और जो है ना एस्पिरेशन ऑफ द सोल दोनों को फिल करे। इन्होंने जो है ना डिवाइन विल को बड़ा प्रमोट किया है। देन इन्होंने जो है ना तहजीबुल अखलाक में कहा है जी कि वो इनकी बहुत फेमस बुक थी, इन्होंने उसमें जो है ना एजुकेशन ऑफ यंग बॉयज़ को कहा है कि वो कैसी होनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि मॉरल हैप्पीनेस होनी चाहिए, जो वर्चू होना चाहिए और फिर एथिक्स होने चाहिए यंग में। देन इन्होंने फिर जो है ना फिलासफी को डिवाइड किया है टू पार्ट में, अ थ्योरेटिकल पार्ट एंड अ प्रैक्टिकल पार्ट। तो थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट में हमने पहले पढ़ा था कि जो है ना मेरे ख्याल में इमाम शाफ़ी ने डिवाइड किया, लेकिन जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो रिटन है गॉड की तरफ से, ठीक है, और जो प्रिजियन नेचुरल और वो जो रिवील्ड है, जबकि जो प्रैक्टिकल है वो जो ह्यूमन साइंसेज हैं ह्यूमन ने जो की हैं। फिर जो है ना इनके मुताबिक जो एक जो है ना वो दूसरे को कंप्लीट करता है, एक पार्ट दूसरे को कंप्लीट करता है, यानी अगर थियोरेटिकल है तो उसको प्रैक्टिकल कंप्लीट करता है और अगर प्रैक्टिकल है तो उसको थियोरेटिकल कंप्लीट करता है। इसलिए उन्होंने जो है ना फिलासफी और रिलीजन में यही चीज़ें जो है ना वो डिस्टिंग्विश करती हैं और यही चीज़ें जो है ना रीज़न और फेथ में भी फ़र्क करती हैं। फिर जी इन्होंने अपनी जो है ना फेमस बुक तहजीबुल अखलाक में डिस्क्राइब किए थे कुछ रिफाइनमेंट ऑफ करेक्टर। इन्हें कहा था जी कि नियो जो प्लॉटिनिस्ट मेथड है वो है कि फ्रीक्वेंट रेफर टू द अरिस्टोटलिस डिस्कसिंग ह्यूमन नेचर, के
ह्यूमन नेचर को डिस्कस किया जाए, रिक्वायरमेंट ऑफ हैप्पीनेस एंड वर्चूज ऑफ लाइफ जो है ना, वो कुछ चीज़ें तहजीबुल अखलाक में इन्हें कहा था, और यंग मैन की जो है ना, यंग बॉयज़ की एजुकेशन पे इन्हें बात की थी, उन्हें कहा था कि इनमें मोरालिटी हो, डिज़ायरेबल यंग विद डिज़ायरेबल हों, नॉलेज हो, कस्टम्स और बिहेवियर्स हों, और वो ह्यूमन बीइंग, ऐसे ह्यूमन बीइंग ने प्रिपेयर करें कि वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल हों। फिर उन्होंने कुछ मेथड जो है ना, वो ट्रेनिंग ऑफ सोल के बताए थे। देन इनने सेवन टाइप्स ऑफ जो है ना विजडम बताई है, जिसमें जो है ना पहले नंबर पे आती है अक्यूटनेस, डेप्थ ऑफ इंटेलिजेंस। अक्यूटनेस और डेप्थ ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस जो है ना वो किस तरह की हो, डेप्थ होनी चाहिए उसकी, वो क्रिटिकल होनी चाहिए। फिर क्विकनेस ऑफ इंटेलेक्ट, कि वो क्विकनेस होनी चाहिए, वो फ्रिक्वेंट होना चाहिए, वो मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए। क्लियरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग उनकी क्लियर होनी चाहिए। विजडम यानी ये भी एक अक्लमंदी है कि वो हर चीज़ को जो है क्लियरली लेके चले। फैसिलिटी ऑफ एक्वायरमेंट, एक्वायरमेंट हासिल करने की जो है ना वो फैसिलिटी हो। प्रिसाइसिएशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो फ़र्क करने में जो है ना वो प्रिसाइज हो। रिटेंशन हो यानी वो याद रखना, रखना दिमाग में। रिकलेक्शन हो और रिकलेक्शन हो। देन फिर जो है ना इन मेथड बताए आज सोल ट्रेनिंग के, तो सोल ट्रेनिंग के जो मेथड इन्हें बताए उसमें सबसे पहले आता है कि प्रेज द बॉय फॉर गुड थिंग्स। तो इन्हें कहा था कि जो वो एक्सेप्टेबल हों टू द अडल्ट, उन्होंने कहा जो अडल्ट हैं वो अच्छे काम करें, तो इसलिए उनको जो है ना प्रेज़ किया जाए, उनकी तारीफ की जाए, और वो उनकी प्रेजेंस में ये चीज़ें जो है ना उन पर एम्फिसाइज जोर देंगे कि वो आप गुड एक्शन करें और परफॉर्म करें गुड थिंग्स। उन्हें पहली चीज़ कही कि उनकी तारीफ करें, उनको जो है ना अप्रिशिएट करें अगर वो अच्छी चीज़ करते हैं, ताकि जो है ना आगे वो कंटिन्यू करें और अच्छे काम करते रहें। फिर उनको इनक्रेजमेंट करें, उनको मोटिवेट करें, उनको जो है इनक्रेज करें कि वो डिज़ायर करें फॉर फूड और ड्रिंक एंड फाइन क्लॉथिंग, इनसे वो ऊपर जो है ना वो सोचें और जो है ना कमेंट करें गुड थिंग्स, और स्मॉल जो है ना वो स्मॉल चीज़ों से फिर बड़ी बड़ी चीज़ें करें। जेनरस करैक्टरिस्टिक्स, तो उन्हें कहा कि उनको ऐसे ट्रेन करें कि वो एडमायर करें जेनरस जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, सच एज जो है ना वो प्रेफर करें अदर्स को ओवर हिमसेल्फ। फिर उन्हें कहा कि ये फूड और ड्रिंक में जो है ना वो दूसरों को प्रेफर करें खुद से, अगर दूसरा पानी मांगता है तो उसको पहले दें, अपने जो है वो मुफाद से दूसरों के मुफाद, सबके मुफाद को जो है वो इंडिविजुअल कॉमन मुफाद के लिए वो काम करें। फिर पनिशमेंट, तो पनिशमेंट से जो है उन्होंने वार्न किया है, उन्होंने कहा है कि जो है ना ब्लेम, नो फेयर ब्लेम ऑफ फॉर एनी एविल डीड ही मे डेमोंस्ट्रेट। तो उन्होंने कहा है कि जो है ना पनिशमेंट को ना जो है ना वो उनको ब्लेम ना करें उनके एविल डीड के लिए। इफ़ जो है ना कोर्सन इज एम्प्लॉयड दैट मस्ट बी बाय डिग्रीज, तो कुछ डिग्री के लिए जो है ना वो उनको ज़्यादा ना पनिश करें। देन कुछ थे इन्हें कुछ स्पीशीज ऑफ टेम्परेंस भी बताई थी, जिसमें ये कहा गया था कि सीपी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो काबिल बर्दाश्त या गुस्सा दिलाने में दूसरों को गुस्सा दिलाती हैं, जैसे उन्हें बताया शेम है, एफेबिलिटी है, राइटिसनेस है, ये चीज़ें जो है ना टेम्परनेस में देती हैं। मिस कवा ने यह कहा था शेम है, अफेबिलिटी है, राइटनेस है, कंसिलेशन है, फिर कंटिनेंस है, पेशेंस है, कंटीमेंट है, प्राइटी है, रेगुलरिटी है, इंटेग्रिटी है और लिबर्टी है। ये कुछ चीज़ें उन्होंने बताई थी कि ये जो है ना टेम्पर यानी ये ह्यूमन को कंट्रोल करनी चाहिए। देन फिर उन्होंने करेज को भी डिवाइड किया था, जिसमें उन्हें मैग्नेटी, फिर क्लेक्शननेस, लोफ्टीनेस, फेमनेस, कूलनेस, ऐसी चीज़ें बताई थी कि मर्सी, झील, कंडेंसेशन, इंडोरनेस, स्टीलीनेस, तो ऐसी चीज़ें उन्हें बताई थी ताकि जो है ना वो उनमें डेवलप हो सके, टेम्परेंस डेवलप हो सके, सब्र। ठीक है, नेक्स्ट है जी अलफराबी। अलफराबी जो है ना इनका पूरा नाम था अबू नसर मोहम्मद अलफराबी, ये 872 में पैदा हुए और 951 में इनकी डेथ हुई। ये वन ऑफ द ग्रेट फिलासफर ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया में जो है ना इनको
बड़ा माना जाता है, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिक्स में, फिलासफी में, मेटाफिजिक्स में और म्यूज़िक में। इस्लामिक हिस्ट्री में जो ना अलफराबी जो है पहले फिलासफर थे जिन्होंने एपिस्टमोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया, जो डिपेंड करती थी ऑन डेमोन्स्ट्रेशन एंड यूनिवर्सिटीज, जो यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करती थी, ये पहले ऐसे फिलासफर हैं। इनका कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है। इन्होंने फिर जो है ना लॉजिक और एस्टेब्लिश किया, लॉजिक और इस्लामिक कल्चर को जो है ना उस लिहाज से डिफाइन किया है। उनका जो फर्स्ट एम था वो था कि नॉलेज ऑफ गॉड एंड हीज एट्रीब्यूट, कि पहले जो है ना सबसे डिवाइन के अल्लाह के जो है ना वो उसका उसके बारे में जो है ना, फिर उसकी जो खुशियात हैं, उसकी जो हैं सिफात हैं उनके बारे में जानो। फिर इनने जो है ना मॉरल कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, उनने कहा कि जो है ना नॉलेज ऐसा होना चाहिए जो ह्यूमन के मॉरल जो है ना कंडक्ट पे असर करें। इस किस्म का वो नॉलेज कहते हैं कि जो अल्टीमेट फाइंडिंग करता है वे टू द अल्टीमेट एम ऑफ एग्जिस्टेंस, के उनके रहने के लिए जो है ना वो बेसिक यही मेथड है कि वो अपने आप को खुद को जो है ना। अलफराबी जो है ना उनने विजडम को हाईएस्ट लेवल इंटेलेक्चुअल और परमिटेड टू ह्यूमन बीइंग करार दिया है, ताकि जो है ना ह्यूमन बीइंग को वो इंटेलेक्चुअल बनाए। फिर इनने कहा कि फाइंडिंग अटेनमेंट ऑफ विजडम, कि विजडम को वो अटेन करें। फिर यूनिटी ऑफ सोसाइटी, देन इनने कहा कि यूनिटी ऑफ सोसाइटी होनी चाहिए, कि नॉलेज ऐसा होना चाहिए कि जो सोसाइटी को एक बनाए, यूनिटी ऑफ विजडम हो जिसमें थॉट हो, रिलीजन हो, और जो है ना सोसाइटी अचीव करे एक ही गोल, जो है ना सारी सोसाइटी का एक गोल हो कि वो अचीव करना है जो, तो एज अ मेंबर ऑफ स्टूडेंट, एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी सबको इस काबिल होना चाहिए कि वो यूनिटी ऑफ सोसाइटी पे काम करे। देन यूनिटी ऑफ विजडम थॉट एंड रिलीजन, के उनकी विजडम थॉट और में यूनिटी हो और वो फाउंडेशन हो प्राइम जो है ना कम्युनिटी ऑफ गवर्नमेंट की, कम्युनिटी की गवर्नमेंट की, और यूनिटी ही फाउंड करती है इन यूनिवर्स। देन उन्होंने कहा जी के प्रोड्यूस गुड लीडर्स, तो उन्होंने कहा गुड लीडर्स प्रोड्यूस हों, ताकि एजुकेशन ऐसी हो कि अच्छे लीडर पे हों, जो एजुकेटेड हों, फिजिकली स्ट्रॉन्ग हों, जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पावर रखते हों, उनके जो है ना अंदर गुड थॉट्स हों, वो पॉजिटिव सोच रहे हों, वो जो है ना हमेशा सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करें। प्रोफिशिएंसी इन द आर्ट्स, तो वो आर्ट्स में जो है ना वो प्रोफिशिएंट हों, उनको आर्ट्स का पता हो, वो आर्ट्स जानते हों, वो लोगों को जो है ना हेल्प कर सकें, एजुकेट कर सकें, ताकि उनके अंदर करेज हो, उनके अंदर सोसाइटी में रहने की काबिलियत हो, वो सोसाइटी के लिए कुछ गुड जो है ना अच्छी स्किल्स हों जो सोसाइटी को हेल्प करें। देन वो कहते हैं जी के जो है ना रिलीजन और फिलासफी जो है वो सिंपली टू एक्सप्रेशन ऑफ ए सिंगल ट्रूथ है। वो कहते हैं जी के रिलीजन और फिलासफी जो है वो दो ही कॉइन हैं, दो पार्ट्स हैं एक कॉइन के, दो हिस्से हैं। फिर इन्होंने कहा जी के फिलासफी एक्सप्लेन रिलीजन, वो कहते हैं कि फिलासफी जो है ना वो रिलीजन को एक्सप्लेन करती है, कि फिलासफी जो है वो रिलीजन को एक्सप्लेन करती है, क्योंकि जो है ना मोस्टली चीज़ें फिलासफी दी जाती हैं ऐसी जो अबव द एक जो आम आदमी होता है उसकी सोच से ऊपर होती हैं, इस वजह से वो कहते हैं कि वो जो है ना फिलासफी से आप रिलीजन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि एजुकेशन ही एक ऐसा फिनोमिना है जिससे आप सोशल फिनोमिना को समझ सकते हैं, जो सोशल की बुनियाद है, जो सोशल रिलेशन है सोसाइटी है उसको। फिर वो कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो इस काबिल होना चाहिए कि आदमी को सोसाइटी का पार्ट बना सके, इस काबिल बना सके कि वो बेहतरीन सोशल एनिमल या सोशल सोसाइटी का पार्ट बन सके। फिर वो कहते हैं जो है परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनने के लिए आपको थ्योरेटिकल वर्चू होना चाहिए आपका, यानी आपके जो डिवाइन बुक्स हैं, जो रिविलेशन है वो पता होनी चाहिए। देन कहते हैं कि यही जो है ना नॉलेज, इल्म ही ऐसा, नॉलेज ही ऐसा है जो आपको इंटेलेक्चुअल बना सकता है, और आप उस नॉलेज के थ्रू जो है ना कंप्लीट कर सकते हैं अपने इंटेलेक्चुअल नॉलेज को। फिर अटेनमेंट ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यूज़, तो वो कहते हैं कि जो है ना मॉरल प्रैक्टिकल मॉरल वर्चूज़, तो वो कहते हैं कि एजुकेशन ऐसी हो कि जो बंदे की
अटेन करने में हेल्प करे, मॉरल वर्चुज, मॉरल वर्चुज को अटेन करने में हेल्प करे, देन परफेक्ट बनने के लिए जो है ना वो कहते हैं कि मॉरल बिहेवियर में चेंज लाए, कि आदमी के जो है ना मॉरल बिहेवियर जो है वो उसमें पेशेंस हो, उसमें गुड मैनर्स हो, तो ये सारी चीज़ें उसको हेल्प करेंगी। देन वो कहते हैं अगर कंबाइन की जाए लर्निंग विद प्रैक्टिकल एक्शन, तो कंबाइन होनी चाहिए कि अगर आप पहले थ्योरेटिकल पढ़ते हो तो फिर उसमें प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, तभी जो है ना वो उनमें रहती है, तभी वो बात रहेगी। फिर वो कहते हैं कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो एजुकेशन के लिए बजट ले, बजट बनाए, और ये वहाँ से ले जो डोनेशन टैक्स यानी जो ज़कात है या लैंड टैक्स है, लैंड टैक्स वो होता है जो दूसरे गैर मुस्लिम से लेते हैं, ज़कात तो मुस्लिम देते हैं ना, तो उस स्टेट में जो गैर मुस्लिम होते हैं वो लैंड टैक्स देखते हैं। तो ये है कि वो कहते हैं कि स्टेट को चाहिए कि वो इसके लिए बनाए बजट बनाए एजुकेशन के लिए, और अगर वो नहीं है स्टेट के पास पैसा तो वो ज़कात से और लैंड टैक्स से दे। फिर उन्होंने वेरियस टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए हैं टू डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। करेक्शन असेसमेंट, उन्होंने कहा कि करेक्शन होनी चाहिए एजुकेशन में, करेक्टनेस यानी जो है ना ये नहीं है कि कोई भी जो है ना ऐसे ही गाइडलाइन या ऐसे ही, बल्कि उसमें करेक्शन होनी चाहिए, अगर कोई गलती कर रहा है तो उसकी करेक्शन होनी चाहिए, असेसमेंट होनी चाहिए उसकी जो है ना उसका अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि वाकया में वो सही भी है ना। फिर डिसिप्लिन हो उसमें, ट्रेनिंग दी जाए, एक्सरसाइज और लर्निंग एक्सरसाइज दी जाए, सिखाया जाए उनको यानी प्रैक्टिकल काम करवाया जाए फिजिकली या उनको सिखाया जाए। फिर इंस्ट्रक्शन दी जाए, अपब्रिंगिंग और एजुकेशन, उनको अपब्रिंगिंग और एजुकेशन दी जाए। देन अल-फ़रैबी ने जो है ना वो दो मेथड दिए हैं, मेथड ऑफ जो है आर्गुमेंट है और मेथड ऑफ डिस्कोर्स है, तो ये दोनों तरीके जो है ना वो ओरली भी यूज़ हो सकते हैं और राइटिंग में भी। इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो डिस्कोर्स मेथड है वो हासिल करने में हेल्प करे विदाउट जो है ना वो किसी शक व शुबहात के, और वो रिक्वायर करते हैं कि जो है ये प्रिसाइज प्रूफ है कि नॉलेज जो है ना वो रिलायबल प्रूफ से हासिल किया जाए। तो देन वो जो है ना डिबेटिंग मेथड देते हैं कि जिसमें ओपोनेंट के साथ आप डिबेट करते हो, आर्गुमेंट करते हो, तो वो उससे जो है नॉलेज हासिल करते हो। फिर साइंटिफिक डिस्कोर्स उन्होंने दिया कि जिसके थ्रू जो है ना नॉलेज आप समथिंग इज आप ऑब्टेन कर सकते हो, किसी चीज़ का नॉलेज साइंटिफिक डिस्कोर्स से ऑब्टेन कर सकते हो। फिर वो कहते हैं कि जो है ना एस्पेक्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, टू एस्पेक्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक जो है ना वो रास्ता है एडिशनल लर्निंग बेस्ड ऑन स्पीच, कि जिसमें आप लर्निंग करते हो स्पीच के थ्रू, और दूसरा वो मेथड है जिसमें आप जो है ना ऑब्जर्व करते हो, लर्न करते हो वे ऑफ इमिटेशन, यानी दूसरों को जो है इमिट करते हो, दूसरों को ऑब्जर्व करते हो एक्शंस, और फिर इमिटेट करते हो, अप्लाई करते हो, उनकी कॉपी करते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जो है ना वो अल-फ़रैबी ये था कि इमेजेशन जो है ना वो क्लियर एजुकेशन फंक्शन है, और वो प्रोड्यूस करती है ना इमेजिनेटिव इम्प्रेशन एक वे। तो जब इंस्ट्रक्ट करते हैं ना, इंस्ट्रक्शन आती है द कॉमन पीपल, तो वो कंसेप्ट जो है ना वो डिफ़िकल्ट होते हैं उनके लिए अंडरस्टैंड करना, इसलिए जो है ना वो फिर इजीली अगर सीखते हैं तो वो पहला तरीका है कि स्पीच के थ्रू, कि वो सुनते हैं वो बात करते हैं तो इससे, और दूसरा ये तरीका है कि वो बंदे को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर उसको इमिटेट यानी उसकी कॉपी कर लेते हैं। देन इन्हें कहा जी कि वो मेकिंग समथिंग अंडरस्टूड बाय एस्टैब्लिश इट्स माइंड मीनिंग इन द माइंड, तो वो कहते हैं कि ये कोई एक ऐसी चीज़ एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, ऐसा मेथड होना चाहिए कि जो अगले को मेंटली ऐसा उसके मेंटल के अकॉर्डिंग हो, उसको समझने में आसानी हो। रिपीटेटिव मेथड को इन्हें बड़ा कहा है जी कि वो टीचिंग में जो है ना एथिक्स और प्रैक्टिकल वैल्यूज सिखाने में बहुत हेल्प करता है, जो रिपीटेटिव मेथड है वो अप्रोप्रिएट मेथड है जो है ना एथिक्स और प्रैक्टिकल आर्ट्स सिखाने के लिए। उनने एक और मेथड जो है वो मेंशन किया है जिसमें वो कहते हैं कि लर्निंग बाय हार्ट, इसको उन्हें सब डिवाइड किया दो सेक्शंस में, एक में वो कहते हैं कि जो है ना लर्निंग वर्ड एंड एक्सप्रेशन विद द लिसनर अनटिल दे आर मेमोराइज्ड, कि एक तरीका ये है कि जिसमें जो है ना वो वर्ड्स लर्न करे, वर्ड्स और एक्सप्रेस करे तब तक जब तक जो है ना वो मेमोराइज नहीं कर सकता। जैसा कि एक लैंग्वेज आप लर्न करते हो वोकैबुलरी,
दूसरा उन्होंने तरीका बताया जो कि डिज़ाइन की जाए इंस्क्राइबल, और उसमें जो है ना उन्होंने मीनिंग दिया है कि जो है ना वो लिसनर अपनी सोल की जो है ना वो मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन द लिसनर सोल के, वो लिसनर की सोल में वो चीज़ें होती हैं, वहाँ से वो जो है ना वो उसकी रूह कहती है कि ये ऐसा करो ऐसे सीखो। देन उनने जो है ना स्टूडेंट शुड पोजेस द फॉलोइंग क्वालिटी, उनने कहा कि स्टूडेंट में कुछ ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए एजुकेशन के लिए, लर्न करने के लिए उनमें कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, जो हेल्प करती हैं, जो उनको मोटिवेट करती हैं, उनमें जो है ना क्यूरियसिटी आती है कि वो ये चीज़ें सीखें। तो उनके मुताबिक जो क्वालिटीज़ हैं वो हैं कि ग्रैस्प करें कंसेप्ट और अंडरस्टैंड करें मीनिंग, कि वो जो है ना उन किसी भी चीज़ का जो कंसेप्ट है उसको ग्रैस्प करें और फिर उसको अंडरस्टैंड क्लियरिटी उसमें लाएँ, फिर एक्सेप्ट करें एग्जिस्टेंस जो उनके पास ग्रैस्प है और अंडरस्टैंड है, जो वो पहले हासिल कर चुके हैं उसकी उनके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन वो एबल हों कि जो है ना जो उन्होंने हासिल किया जो उन्होंने सीखा है वो उसको एक्सेप्ट जो डिस्क्राइब कर सकें जो उन्होंने सीखा है या जो उनके पास है। देन जो है ना अलफराबी ने मैथमेटिक्स को डिवाइड किया है 7 पार्ट्स में, जिसमें यह है कि वो सबसे पहले है कि नंबर्स हों अर्थमेटिक यानी मीन मोड मीडियन, फिर ज्योमेट्री ये जो ट्राइंगल्स वगैरह होती हैं, देन साइंस ऑफ पर्सपेक्टिव्स के पर्सपेक्टिव्स वाली साइंस, और साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी जिसमें स्टार्स वगैरह एस्ट्रोलॉजी वगैरह का नॉलेज है, फिर म्यूज़िक हो, फिर डायनामिक्स हो, और तो साइंस ऑफ मशीन्स और मशीन्स की साइंस हो यानी फिजिक्स। तो ये कुछ थी अलफराबी की। फिर उन्हें करिकुलम जो है ना वो उसको ये एक दो स्लाइड्स मिस हैं, तो अलफराबी ने जो है ना करिकुलम को कन्फाइंड किया कि वो साइंस के मुताबिक ही हो, उन्हें कहा कि वो ये साइंस हो, कुछ साइंस ऑफ लैंग्वेज हो, लॉजिक हो, टीचिंग मैथमेटिक्स हो, नेचुरल साइंस हो, थियोलॉजी हो, सिविक्स हो, ज्यूरिसप्रूडेंस हो, और अकेडेमिक थियोलॉजी हो। उनके ओपिनियन के मुताबिक जो है ना वो नेचुरल साइंस और थियोलॉजी में जो है ना वो लिंक है वो ह्यूमन सोल है, और बॉडी इज साउंड सो द माइंड इज सो इज़ द माइंड। तो वो कहते हैं कि अगर बॉडी ही साउंड होगी तभी जो है ना वो माइंड भी वर्क करेगा। तो ये सारी चीज़ें अलफराबी के करिकुलम के मुताबिक थी कि साइंस ऑफ नॉलेज हो, साइंस ऑफ लैंग्वेज, साइंस ऑफ लॉजिक, थियोलॉजी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं अलफराबी। फिर इनके जो एलिमेंट्स हैं अलफराबी के वो मोस्टली जो है इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया साइंस के मैथमेटिक्स पे और एक्सपेरिमेंटल मैथड पे, और स्टेट पे जो है ना डिग्रेशन ऑफ नॉलेज और स्टेट पे जो है इन्होंने काम किया। अब नेक्स्ट है अलामा मोहम्मद इकबाल, जो बॉर्न हुए 1877 में और 1938 में इनकी डेथ हुई। इनको जो इनका नॉन जाना जाता है ये सर मोहम्मद इकबाल था नाम इनका, लेकिन इनको जाना जाता है अलामा इकबाल। एक पोइट थे, एक फ़िलासफ़र थे, और एक पॉलिटिशियन एज वेल एज एन एकेडमिक थे, और बैरिस्टर एंड स्कॉलर थे। ये इनने जो है ना पाकिस्तान मूवमेंट को इंस्पायर्ड किया था, इन्हीं की वजह से पाकिस्तान मूवमेंट इंस्पायर्ड हुई है। स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान भी इनको कहा जाता है। उर्दू और पर्शियन लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंस है इनकी, क्योंकि इनने उर्दू और पर्शियन में बहुत सी बुक्स लिखी हैं और शायरी भी की है। उनकी जो फ़िलासफ़ी है वो रिकॉग्नाइज की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इकबाल जो है उनने बहुत ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम पे एम्फसाइज किया है। इकबाल की जो एजुकेशन फ़िलासफ़ी है वो एक बुक है के जी सियादेन, उनकी जो है ना बुक से ली गई है। उनने बुक लिखी थी इकबाल्स एजुकेशन फ़िलासफ़ी, उसमें से जो है ना इकबाल की एजुकेशन फ़िलासफ़ी निकाली जाती है। फिर इकबाल के मुताबिक जो है ना वो अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को यह था वो है इंडिविजुअलिटी और खुदी। ये उन्होंने कहा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जब इंसान खुद को जान जाता है, खुद ही को पहचानता है, अपने सेल्फ को पहचानता है, तभी जो है ना वो कहते हैं कि वो किसी मकाम तक पहुंचता है। इन्होंने एजुकेशन को बताया कि यही जो है ना वो नेशन के प्रॉस्पर होने का सक्सेसफुल होने की वजह है, यही इसी से कोई नेशन सक्सेसफुल हो सकती है। उन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअलिटी है वो एक क्रिएटिव प्रोसेस है, इस वजह से जो है ना इंडिविजुअल एक्टिव रोल प्ले करता है। फिर उन्होंने कहा कि फ्रीडम जो है ना वो असेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी और क्रिएटिविटी। देन इकबाल ने जो है ना फॉर्मुलेटेड किए हैं 11 प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी टू बी कैप्ट इन व्यू वाइल इम्पॉर्टेंट एजुकेशन। तो इकबाल ने जो है ना वो 11 जो थे ना कंसेप्ट दिए थे साइकोलॉजी के
जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि जो है ना किसी बच्चे को आप चाइल्ड में डेवलप कर सकें एजुकेशन, तो पहली चीज़ जो है ना वो चाइल्ड जो है ना वो कीन हो फॉर एक्टिविटी, यानी उसकी एनर्जी जो है वो जो है ना वो यूटिलाइज करे उस राह में, वो उसकी अंदर जो है ना शौक हो गए वो सीखे। चिल्ड्रन कैन नॉट अटेंड टू अ थिंग फॉर लॉन्ग, तो वो कहते हैं कि बच्चा जो है ना वो ज़्यादा देर तक चीज़ नहीं सीख सकता, उसका माइंड इतना डिवेल्प नहीं होता, इसलिए जो है ना वो उसको आप डिवाइड करें चीज़ों को, लेसन को डिवाइड करें दैन उस तक पहुँचाएँ। तीसरा उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन जो है वो इंटरेस्ट लें ऑब्जर्विंग और टचिंग थिंग्स में, वो कोई डिफरेंट चीज़ें करने में लें इंटरेस्ट लें, उनका अपना जो है ना एक दिलचस्पी हो, अपने एक माइंड बना हुआ हो कि हमने ये सीखना है, तो वो इंटरेस्ट लें। चिल्ड्रन फिर अट्रैक्ट होते हैं कि ब्राइट कलर की तरफ, तो उन्होंने कहा कि जो है ना वो चिल्ड्रन तो एजुकेटर्स को चाहिए कि वो उन ब्राइट कलर से उनको अट्रैक्ट करें, क्योंकि बच्चों में जो है वो अट्रैक्शन होता है कि वो रेड या इस तरह के जो ब्राइट कलर्स होते हैं उनकी तरफ वो दौड़ते हैं, तो ऐसे कलर्स का भी वो कहते हैं कि फ़ायदा उठाया जाए। फिर वो कहते हैं कि चिल्ड्रन जो है ना वो इमिटेट करते हैं एल्डर्स को एंड लर्निंग थिंग्स फ्रॉम अदर फ्रॉम देयर पेरेंट्स के, वो कॉपी करते हैं दूसरों को, नकल करते हैं उनकी, तो इसलिए जो है ना वो इंटरेस्टेड होते हैं कि जो है ना ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएँ जिनसे वो ना जो गुड उनके उन पर इम्प्रेशन पहुँचे बच्चों पर चिल्ड्रन पर। फिर वो कहते हैं पावर ऑफ जो इमेजिनेशन होती है एंड थिंकिंग इन द चिल्ड्रन इज़ हाईली प्रोनाउंस एज इज़ क्लियर, कि जो है ना उनमें पावर होती है थिंकिंग और इमेजिनेशन की, वो इमेजिन करते हैं वो थिंक करते हैं, तो इसका भी टीचर को चाहिए कि वो एडवांटेज उठाएं चिल्ड्रन की स्ट्रेट का और उनको इंटेलेक्चुअली बनाएं। देन चिल्ड्रन की जो नेचुरल हैबिट होती है वो होती है कि वो सिंपथेटिक यूटिलाइज कर सकते हैं टीचर की कैलकुलेटिंग मॉरल एजुकेशन अमंग द चिल्ड्रन, कि उनकी जो है नेचुरल हैबिट होती है तो आप जैसे भी उनको सिखाओगे वो उनमें डिवेल्प हो जाएगी सिंपथेटिकली। फिर चिल्ड्रन की जो है ना वंडरफुल मेमोरी होती है वो कहते हैं, और वोकैबुलरी के लिए और रिमेंबरिंग थिंग के लिए, कि बच्चों की जो है ना वो मेमोरी बहुत अच्छी होती है, तो आप उन्हें इजीली टीच कर सकते हैं। फिर पावर ऑफ जजमेंट और डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो हाईली डेवलप नहीं होती थी स्टेज, तो टीचर्स को चाहिए कि वो जो है ना उनको जो है ईजी वे से समझाएँ, ईजी तरीके से, जो जिस तरीके से वो इंटरेस्टेड हैं वो जिस तरीके से ज़्यादा अटैच है। उनकी जो पावर ऑफ लॉजिक है वो भी वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसलिए उनको एक्सरसाइज कराएं, छोटी छोटी चीज़ें करवाएं, एकदम ही जो है ना वो बड़ी चीज़ें नहीं करवानी चाहिए उनके माइंड से। उनको फिर जो है ना कंपैरेटिव सिचुएशन दी जाए और पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है ना उनकी शार्पन हो जाएगी, उनको कंपैरेटिव जो है ना वो सिचुएशन दी जाए तो उनके अंदर खुद बहुत डिवेल्प हो जाएगी। देन उनने कहा था जी कि जो टीच है वो मॉरलिटी टीच करें उनको बिगिनिंग से, और उनके अटेंटिव लेसन दिए जाएँ उनको जो बोर ना करें उनको सीखें। अब प्रिंसिपल क्या था जी करिकुलम के लिए, तो इकबाल ने जो है ना वो कहा जी कि टेक्स्ट बुक्स वो पढ़ाई जाएँ जिनमें एंशिएंट और मॉडर्न कंटेंशन ऑफ थॉट हो, जिनमें जो है ना वो बुक्स पढ़ाई जाएँ जिनमें पहले की और अभी की जो है ना वो थॉट्स हों, यानी वो इंटेलेक्चुअली हिस्ट्री उनको पढ़ाई जाए, हिस्ट्री की बुक्स पढ़ाई जाएँ, अपने हीरोज़ की बुक्स पढ़ाई जाएँ एंशिएंट मॉडर्न। देन उन नॉवल एक्सपीरियंसेस, उनको न्यू न्यू एक्सपीरियंस पढ़ाए जाएँ, न्यू न्यू चीज़ें करने के तरीके पढ़ाए जाएँ। क्रॉन पाक डिक्लेयर किया जाए, सो उन्हें क्रॉन पाक को इकबाल ने डिक्लेयर किया था ये सोर्स ऑफ नॉलेज है, तो उन्होंने कहा था कि यही जो है ना वो एज अ मुस्लिम नेशन के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो कुरान को समझें। फिर उन्होंने कहा जी कि स्पिरिचुअल मॉरल फिज़िकल कल्चर और सोशल जो है ना इकोनॉमिकल, ये चीज़ें स्टूडेंट्स को मस्त पता हो। देन उन्होंने कहा कि न्यू चेंजेस एंड एक्सपीरियंस इन अ लैंग्वेज, के किसी भी लैंग्वेज में जो न्यू चेंजेस होते हैं एक्सपीरियंस होते हैं लैंग्वेज के, वो उन्हें पढ़ाया जाए। टेक्स्ट बुक्स मटेरियल का जो है ना वो जेन्युइन होना चाहिए, वो फेक या उसमें कोई गड़बड़ या जिस तरह का वो ओरिजिनल है, ओरिजिनल सच है, वैसा होना चाहिए। उन्हें कहा प्रिपेयर करें स्टूडेंट्स को, इस तरह पढ़ाएं कि वो ज़िंदगी के चैलेंज ऑफ लाइफ को समझने के काबिल हों, चैलेंज ऑफ लाइफ से जो है ना निपटने के काबिल हों। वो कहते हैं कि मोरलिटी जो है वो ट्रू सेंस ऑफ लाइफ आइडियल लाइफ है, अच्छी ज़िंदगी आइडियल लाइफ रहने के लिए जो है ना मोरलिटी ज़रूरी है। फिर वो कहते हैं डिवेल्प करें जेन्युइन पैट्रियटिज्म जो है ना, खूब वतनी डिवेल्प करें एकेडमिक इंटरेस्ट बच्चों में जो है ना वो डिवेल्प करें।
देन उन्हें मुस्लिम आर्ट्स और आर्किटेक्चर इकबाल स्ट्रॉन्गली फेवर्स करते थे, जो है ना इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, तो इन चीज़ों के बारे में जो है उन्होंने बड़ा जोर दिया है। तो इकबाल की जो मेन थ्योरी थी वो थी खुदी खुदी को यूनिवो पहचाने, ठीक है। तो ये था चैप्टर नंबर 7।